अब चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। और यही बात हमारे गुस्से या कहें क्रोध के लिए भी लागू होती है। हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़कर रखना। ये क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध के वशीभूत होकर किए गए फैसले मूर्खता का प्रमाण देते हैं। बिल्कुल, क्रोध ज्ञान को समाप्त कर देता है। गुस्सा या क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन का वो एक शब्द जो जीवन में शांति लाता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। ये किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई। त्रिपुरा की भौगोलिक और जलवायु की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से विशेष तौर पर राज्य के लिए कच्चे मकान की परिभाषा बदली गई है। इससे राज्य के बहुत सारे लाभार्थियों को अपने कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने के लिए सहायता मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान आज दोपहर करीब 3 बजे पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश में रेलवे की अनेक योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गोंड राज की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। सरकारी और निजी भागीदारी में पुनर्विकसित इस स्टेशन में सभी प्रकार की आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है। इसमें दिव्यांगों के लिए आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। ये अध्यादेश है केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021। इन अध्यादेशों के अनुसार शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल 3 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। अध्यादेशों में कहा गया है प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने का आह्वान किया है और देश की प्रगति के लिए उन्हें पूरी तरह से सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। उपराष्ट्रपति नायडू ने नेल्लोर के वेंकट जलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेते हुए बताया कि देश की आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी जोनल परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। दक्षिणी राज्यों के सम्मेलन में राज्यों के बीच सहयोग, मतभेद, सीमा मुद्दों, आंतरिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचागत विकास, उद्योग, पर्यटन विकास, आर्थिक विकास और मध्यवर्ती राज्यों के बीच सहयोग जैसे कुल 26 मुद्दों पर चर्चा हुई। देश स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। केंद्र ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आज सुबह 10:45 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक
112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच शनिवार को कोविड के 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। अब तक 3,38,00,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 1,35,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 62,37,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस यात्रा के दौरान पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन के उद्घाटन समारोह और जलवायु कार्य योजना फ्रॉम COP26 से COP27 तक के मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री भारतीय पंडाल का भी उद्घाटन करेंगे। बावनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता और फिल्म प्रेमी इसके लिए IFFIGOA.org और DFF.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। गोवा में 9 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव 20 नवंबर से शुरू होगा। और अब राज्यों से जुड़े हुए प्रमुख समाचार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार से दक्षिणी राज्य केरल में हो रही भारी बारिश के मंगलवार तक जारी रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले दिन में 3 जिलों इडुक्की, त्रिशूर और एर्नाकुलम में रेड अलर्ट जारी किया गया। IMD बुलेटिन के अनुसार 15 नवंबर को केरल में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 15 नवंबर को कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्य बारिश के साथ बहुत भारी बारिश के भी जो है संभावना जताई जा रही है। इसी तरह का मौसम अलर्ट 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में IMD द्वारा जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक 16 नवंबर को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश यहां पर भी होने वाली है। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर राज्य में सियासत जोरों पर है। हाल ही में त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में निकाली गई रैलियों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में पथराव हुआ। इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम संगठन रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। BHP नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके महाराष्ट्र सरकार से पथराव की घटनाओं के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने की मांग भी करेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने और निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। सरकारी कर्मचारी भी 1 सप्ताह तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली समेत NCR के सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक बीते 24 घंटे के मुकाबले गंभीर श्रेणी से निकलकर बहुत खराब स्तर में पहुंच गया है। इससे लोगों को कुछ राहत मिली है। दिल्ली NCR में गाजियाबाद का AQI सबसे अधिक 331 और सबसे कम गुरुग्राम में 287 रिकॉर्ड किया गया। वहीं 330 के आंकड़ों के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर में रही। आम जागरूकता अभियान और कड़े कानूनी प्रावधानों के बावजूद बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 400% की वृद्धि हुई है। NCRB की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में बच्चों के
विरुद्ध ऑनलाइन अपराधों के कुल 842 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 738 मामले बच्चों को यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित थे। और देश और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर। पाकिस्तानी जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के मामले में 4 साल की सजा पूरी करने के बाद 20 भारतीय मछुआरों की आज वतन वापसी होगी। रविवार को पाकिस्तान के लांधी जिला जेल से इन्हें रिहा किया गया था। पाकिस्तान की लांधी जेल के अधीक्षक ने कहा है कि रिहा किए गए मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंपने के लिए उन्हें वाघा बॉर्डर पर लाया जाएगा। भारतीय अधिकारियों द्वारा मछुआरों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने के बाद सद्भावना के तौर पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इनमें अधिकतर मछुआरे गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचाने की वैश्विक सहमति और संकल्प के साथ संपन्न हो गया। सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक तापमान का लक्ष्य हासिल करने के समझौते पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अंतिम समय में कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को लेकर कुछ असहमति भी रही। सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने संकेत दिया है कि ग्लासगो सम्मेलन में उपस्थित लगभग 20 राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों ने कोई निर्णायक आपत्ति व्यक्त नहीं की है। इस सम्मेलन में कोयला और गैस से संपन्न शक्तिशाली देशों से लेकर समुद्री सतह की बढ़ोतरी से प्रभावित होने वाले तेल उत्पादक और प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देश भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव आंतोनियो गुतरेस ने एक बयान में कहा कि पृथ्वी बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। ग्लासगो जलवायु समझौता ऐसा पहला समझौता है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोयले के उपयोग को कम करने की स्पष्ट योजना दी गई है। लंदन के लिवरपूल स्थित महिला अस्पताल के बाहर एक कार में धमाका हुआ। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने इस विस्फोट के पीछे किसी आतंकवादी हमले की घटना से इनकार किया है। हालांकि आतंकवाद विरोधी अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धमाके वाली कार एक टैक्सी थी जो विस्फोट होने के कुछ समय पहले अस्पताल में पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो विस्फोट के कारण को लेकर अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। फिलहाल मामले की जांच काउंटर टेररिज्म पुलिस मोर्सीसाइड पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अभी तक इस विस्फोट को आतंकवादी घटना घोषित नहीं किया जा सकता। बुल्गारिया में 8 महीने में तीसरी बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान कराए गए ताकि राजनीतिक गतिरोध दूर किया जा सके। हालांकि मतदान पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार इस बार भी नतीजे निर्णायक नहीं होंगे। इससे ईंधन की बढ़ती कीमतों, कोरोना संक्रमण में तेजी और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिशों में इस देश में बाधा आ सकती है। वहां कल राष्ट्रपति के पद के लिए भी चुनाव कराए गए हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार रूमेन रादेव 21 नवंबर को दूसरे दौर के मतदान के बाद दोबारा चुने जा सकते हैं। बुल्गारिया में अप्रैल में हुए चुनाव के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पूर्व प्रधानमंत्री बोयको बोरिसोव और उनकी पार्टी को सत्ता से हटना पड़ा था। हालांकि नीतिगत मतभेद और प्रतिद्वंदिता के कारण उनके विरोधी गठबंधन बनाकर सत्ता में आने में नाकाम रहे। इसके बाद 11 जुलाई को दोबारा चुनाव हुए, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल अभी तक कायम है। नीदरलैंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर लागू किए गए लॉकडाउन के बाद उत्तरी शहर यूट्रेक्ट में बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ल्यूवर्डन में सैकड़ों युवकों ने लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन किया। नीदरलैंड के लगभग 85% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो गया है। 24 घंटों में यहां सबसे ज्यादा 16,364 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका के लिंकन में बच्चों के लिए बने चिड़ियाघर में कोरोना से 3 हिम तेंदुओं की मौत हो गई है। फेसबुक पोस्ट में चिड़ियाघर ने बताया कि रेनी एवरेस्ट और मकालू नाम के इन हिम तेंदुओं को पिछले महीनों से 2 साइबेरियाई बाघों के साथ कोरोना का इलाज हो रहा था। बाघों की हालत में सुधार है, लेकिन तेंदुए नहीं बचाए जा सके।
प्रीति, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा कि हम अपने राष्ट्रीय सुर्खियों में बता भी चुके हैं कि आज जनजातीय गौरव दिवस है, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इस दिवस को आज से ही यानी कि पहला जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आज मनाया जाने वाला है। बिल्कुल, और आज तमाम विशेष कार्यक्रम भी इस अवसर पर होंगे। बड़े जनजातीय, महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा, उनकी जयंती संसद भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष, इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति के साथ साथ तमाम गणमान्य लोग आज बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे, सुबह 10:40 से आप संसद टीवी के साथ जुड़ना मत भूलिएगा जी। और हम ये भी बता दें कि देश भर में जनजातीय गौरव दिवस पर यानी कि बिरसा मुंडा जी की इस जयंती पर विशेष और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत बड़े स्तर पर आज होने वाले हैं। बिल्कुल, और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, और सुबह 9:30 देखिए वाइब्रेंट भारत। 10 आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमिक सूत्र, और 10:30 स्मार्ट खेती। शाम 7 देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा आपका, और शाम 7:30 देखिए आजादी का अमृत महोत्सव। रात 8 दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा बुलेटिन आज की खबर, और 8:30 द चेंज मेकर्स। 9:30 आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश की वृंदावन में चल रहे ब्रज रज उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक के साथ। हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सांसद और सरकार, सैकड़ों सवाल जिनका सरोकार है आपसे। क्वेश्चन नंबर 161 मेरा माननीय प्रश्न यह है। सो माय क्वेश्चन इज, सांसदों के लिखित सवालों और उनके जवाबों का कार्यक्रम प्रश्नकाल सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 15 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 15 नवंबर वर्ष 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ। मुंडा एक जनजाति समूह था जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहते थे। वे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासियों के महानायक रहे। बिरसा जी को वर्ष 1900 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी लोगों को संगठित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। 15 नवंबर वर्ष 2000 में भारत गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी रांची है। बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। झारखंड के कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य जंगल झाड़ी से है, इसलिए इसे झाड़ यानी जंगलों का प्रदेश झारखंड भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोला जाता है। 325 ईसा पूर्व में भारत के बिहार राज्य से उत्पन्न झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। प्रत्येक बार फिर से हम बता देते हैं, हमने इतिहास में तो बता दिया कि बिरसा मुंडा जी
का जन्मदिन है, जयंती है और विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं और देश भर में आज से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और आज जो है संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम भी होगा। बिल्कुल, तो इसके लिए आप सीधा 10:40 पर संसद टीवी के साथ जुड़ सकते हैं और तन के साथ मन को भी प्रीति आराम चाहिए और इसके लिए सेहत के लिए जरूरी है व्यायाम प्राणायाम, इसलिए आज हम जानेंगे शीतली प्राणायाम के बारे में। बिल्कुल, और सेहत की बात कर रहे हैं तो योग के बारे में हम लगातार बात करते हैं। रोजाना अगर शीतली प्राणायाम किया जाए तो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है तनाव की, वो बहुत कम होता है, साथ ही जो पाचन संबंधी बीमारियां हैं उसमें भी काफी मदद मिलती है। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी जिह्वा को ट्यूबनुमा आकृति बनाते हुए बाहर निकालें। अब जिह्वा द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात जिह्वा को अंदर की ओर वापस ले जाएं और नासिका से पूरा श्वास बाहर। इस अभ्यास को 5 और दोहरा जाएं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है, कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। ध्यान दें, इस अभ्यास को सर्दियों के मौसम में ना करें। और विश्राम करें, अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें, अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। तो ये हमने देखा शीतली प्राणायाम, और जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ठंड में ना करें, लेकिन अगर घर के अंदर आप हैं, कमरे में है, तो इस योग को भी किया जा सकता जी। इसकी वजह यह है कि ठंड में इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि जब आपको छाले होते हैं वो होते हैं गर्मी से, तो आपके छालों को राहत पहुंचाने के लिए भी ये प्राणायाम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और हम जब योग की बात करते हैं प्रतिबिंब, तो हम देखते हैं एक योग के कितने फायदे हैं। हमने टेंशन की बात की, आपने छालों के बारे में बताया, साथ ही पाचन क्रिया को स्वस्थ अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो छालों से ही कनेक्टेड है जो माना जाता है, और इसके अलावा डिप्रेशन उसको भी दूर रखने में ये योग काफी मददगार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये खबर भी दिखा चुके हैं अपने जो है राज्य से संबंधित खबरों में, और वृंदावन में आयोजित ब्रज रज उत्सव के दौरान आज महाभारत नाटक का मंचन होगा और मशहूर अभिनेता पुनीत इस्सर, जिन्होंने महाभारत सीरियल में भी महत्वपूर्ण दुर्योधन का किरदार निभाया था, इस नाटक को लिखा है और इसे निर्देशित किया है। बिल्कुल, और इसमें गुफी पटेल, उर्वशी ढोलकिया और मेघना मलिक, यानी ये तमाम बड़े नाम हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और जाते जाते आप देखिए इसकी एक झलक। नमस्कार। नमस्कार। रणभेरी बजती है, पांचजन्य गूंजा है, रणचंडी के हाथों वीरों की पूजा है, धर्म का उजाला है अधर्म का अंधेरा भी, रात है असत्यों की सत्य का सवेरा भी, ये महाभारत है। महाभारत पार्थ का पराक्रम है, कर्ण का समर्पण है, भीम का ये तर्पण है, ये महाभारत।